पायस फिस्टर फिस्टूला, ऐसे तो हम हर्षकल पोटी देते हैं, त्रिफला चूर्ण, अभयारिष्ट, पेट ठीक रखने के लिए तो औषधियाँ देते हैं और कुछ घरेलू उपाय भी बताते हैं। ठंडे दूध में नींबू डाल करके पी लो सुबह सुबह खाली पेट, 3 से 7 दिन पीने से 99% बवासीर ठीक हो जाती है। ठंडा दूध 1 कप लिया, उसमें नींबू डाल के पी लिया और बवासीर ठीक हो जाती है 3 से 7 दिन। गाय का ठंडा दूध गर्म करके या ऐसे ही ताज़ा दूध निकाला, उसमें नींबू डालो और तुरंत पी जाओ। ठंडे दूध में नींबू डालने से फटता नहीं है तुरंत, और वो अब उसमें किस तरह की औषधीय शक्ति पैदा होती है, अलग लाभ है। अब लौकी तो रोज खाते हैं, लेकिन लौकी का जूस पिला करके हमने लोगों का प्रोस्टेट कैंसर, हार्ट का की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और कितनी बड़ी बड़ी बीमारी हमने ठीक कर दी। तो हर एक चीज की उसको आम भाषा में बोलते हैं लाग होती है कोई, तो ठंडे दूध में नींबू डाल करके पीने से बहुत सी ठीक हो जाती है 3 से 7 दिन के अंदर। चने के बराबर कपूर केले में डाल करके खाने से 3 दिन के अंदर ही बहुत सी ठीक हो जाती है। नीम की निमोली, बकायन, रसौत, हरड़, ये 4 चीजें मिला करके हम पाउडर बनाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं भाई 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लो, कितनी भयंकर बवासीर ठीक हो जाती है। नीम की निमोली, बकायन, छोटी हरड़ और एक रसौत होती है, उससे ठीक हो जाती है। एलोवेरा जूस ही पीने से बवासीर और पायल्स फिसर फिस्टुला तक अच्छा हो जाता है। और तो और कपालभाति प्राणायाम करने से पायल्स फिसर फिस्टुला आधा आधा घंटा हमने करवाया, नहीं तो ये बहुत भयंकर हो जाता है। फिस्टुला का 1, 2, 3, 5 बार लोग ऑपरेशन करा के आते हैं, हमारे यहाँ पूरी हमने व्यवस्था की हुई है। क्षार सूत्र से भी हम व्यवस्था करते हैं, जिनको ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने देखा लोग बिगड़, कितने बिगड़े हुए केस हमने ठीक किए हैं पायस फिसर फिस्टुला के। ये पॉइंट है, पहले ही दिन से नागदोन के पत्ते, एक हरा पत्ता होता है, बहुत होता है यहाँ पूरे हिंदुस्तान में होता है, 3-3 पत्ते उसके खिला दो, ऐसे कहीं लोग गमलों में भी लगा लेते हैं, कहीं बाड़ में भी लगा देते हैं, ऐसे सुंदरता के लिए लगा देते हैं, 3-3 पत्ते नागदोन के खिला देते हैं और ये पॉइंट दबा देते हैं, बवासीर रह ही नहीं सकती है। बवासीर के लिए पॉइंट कब्ज नहीं रहनी चाहिए बवासीर वाले रोगी को, ये धातु रोगों के लिए जिनको इन्फर्टिलिटी है, जिनकी बंद ट्यूब है यहाँ दबाने से खुल जाती है। देखो ये माताएं बहनें इसलिए तो यहाँ चूड़ियाँ पहनती हैं, ये चूड़ियाँ कोई कमजोरी की निशानी थोड़ी है, मात्र श्रृंगार नहीं है, यहाँ चूड़ियाँ पहनने से ये पॉइंट दबते हैं। पैर में भी पहले कड़े पहनते थे, उसमें भी ये पैर में तो इन्फर्टिलिटी की समस्या ही नहीं होती थी। माने जो प्रजनन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, मूत्र संस्थान से संबंधित रोग होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों या एक्सक्रेटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो यहाँ से ठीक हो जाती है। ये यहाँ आंतों का पॉइंट है, यहाँ दबाने से, ऐसे आंतें यहाँ दबाने से भी अच्छी होती है। जैसे कोई बहुत थका हुआ आदमी हो ऐसे दबा दो तो ये, इससे आंतें अच्छी हो जाती हैं, पेट बहुत अच्छा हो जाता है।